तुम में से जो भी ये गेम जीतेगा उसे मिलेंगी 3 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ जो आपके पीछे ठहरी हुई हैं। हैं? एक छोटी सी गेम खेलने पर इतनी बड़ी गाड़ियाँ दे रहा है। या तो ये बंदा मुझे अकल से पैदा लग रहा है या हमारे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है। तुम लोग सोचते रहो, मैं तो ये गेम जीत कर 3 करोड़ की गाड़ियाँ ले जाऊंगा। भाई जान बताओ ये गेम कैसे खेलनी है? लाइन को काटे बगैर बाबर आजम को बाबर आजम के साथ मिलाना है और विराट कोहली को विराट कोहली के साथ मिलाना है। बस इतनी सी बात, लाओ बोर्ड मारकर अभी मिला देता हूँ। रुक जा बेटा, गेम खेलने से पहले 10,000 रुपया फीस जमा करवानी पड़ेगी। 10,000 रुपया? इतना ज्यादा पैसे? इतना सोच क्या रहा है, 10,000 रुपए से 3 करोड़ की गाड़ियाँ मिलने वाली हैं। बहुत तो सही कह रहा है, सौदा घाटे में नहीं है। वैसे भी मुकेश अंबानी ने कहा था जिंदगी में एक बार रिस्क उठाना चाहिए। ये लो 10,000 रुपया फीस। ये पकड़ो बोर्ड मार्कर और शुरू हो जाओ। अगर तुम ये गेम हार गए तो ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। हाँ ठीक है, हार कौन रहा है, मैं तो ये गेम जीत कर ही जाऊंगा। ये देखो, विराट कोहली को विराट कोहली के साथ मिला दिया और बाबर आजम को बाबर आजम के साथ मिला दिया। मुबारक हो बेटा, तू ये गेम हार गया। इधर दिखा, मैंने पहले ही कहा था लाइनें एक दूसरे के साथ नहीं मिलनी चाहिए और तूने यहाँ लाइनें मिला दी। चल अब दफा हो जाए यहाँ से। ये लाइन मिले बगैर इनको कैसे मिलाया जा सकता है, ये तो नामुमकिन है। चल हट जा, अब मेरी बारी आने दे। ये गेम इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है। खेलने से पहले पैसे निकाल। ये लो पैसे। ये ले, शुरू हो जा। ये देखो, विराट कोहली को विराट कोहली के साथ मिला दिया। अब देखना मेरे दिमाग का कमाल, बाबर आजम को बाबर आजम के साथ कैसे मिलाता हूँ। देखते हैं कैसे मिलाते हो। मैं जीत गया, जल्दी से मुझे गाड़ियों की चाबियां दो। गंजे, मुझे लगता है तेरे बालों के साथ साथ तेरा दिमाग भी उड़ गया है। ये गेम बाउंड्री के अंदर रहकर खेलनी है और तू बाउंड्री के बाहर चला गया है, इसलिए तू भी ये गेम हार गया। चल अब दफा हो जाए यहाँ से। अगर ऐसा है तो फिर ये गेम कोई भी नहीं जीत सकता। तो तुम्हें क्या लगता है, ये 3 करोड़ की गाड़ियां हलवा है जो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा? चलो फुटो यहाँ से। अरे भाई रुको, जरा बात सुनना मेरी। हाँ भाई साहब। भाई साहब, मुझे पता है इस ठगबाज को कैसे हराना है, लेकिन मेरे पास फीस भरने के लिए 10,000 रुपए नहीं है। अगर आप मुझे वो पैसे दे दे तो मैं आपको 3 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ जितवा कर दिलवा सकता हूँ। सुना वकास, काम कैसा चल रहा है? मालिक, सुबह सुबह 20,000 की दिहाड़ी लग चुकी है। अच्छा, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आई इस गेम में ये एक दूसरे से मिलते कैसे हैं। सच बोलूं तो मालिक, मुझे भी नहीं पता, बस लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे कमा रहा हूँ। ख्याल करना, लोगों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में कहीं खुद ना बन जाना। अगर ये मेरी 3 करोड़ की गाड़ियाँ कहीं गई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आप बेफिक्र हो जाएं। ये लो पैसे, मैंने ये गेम खेलनी है। मालिक, एक और मुर्गा आ गया। ये लो और शुरू हो जाओ। ये देखो, विराट कोहली को विराट कोहली के साथ मिला दिया और बाबर आजम को बाबर आजम के साथ मिला दिया। मैंने कहा था बाबर को बाबर के साथ मिलाना है और विराट को विराट के साथ मिलाना है, तुमने तो गलत ही मिला दिया। हंस क्या रहे हो, तुमने खुद कहा था बाउंड्री के अंदर रहकर सब कुछ करना है। हाँ मैंने कहा था, लेकिन फिर भी ये गलत है। रुको एक मिनट, अभी ठीक करके दिखाता हूँ। ये देखो, हो गया सेम टू सेम। गंजे, हम 3 करोड़ की गाड़ियाँ जीत चुके हैं, चल अब निकले यहाँ से। हरामखोर, तूने तो कहा था ये कभी नहीं हो सकता, फिर ये कैसे हो गया? मालिक, मुझे खुद को भी समझ नहीं आ रही। अभी तुझे समझाता हूँ, मेरा 3 करोड़ डुबवा दिया।